ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। रिलैक्स फोरहेड। ओम की ध्वनि पहले हम लगाएंगे थोड़ी देर के लिए। वे चैंटिंग द मोस्ट पावरफुल मंत्र। यस ओ ओ रिलैक्स नाउ। रिलैक्स हो जाए बिल्कुल भी, आंखें बंद रखें, दोनों आंखें के बीच में अपने ध्यान को टिकाएं, आगे चक्र पर ले आएं। सेंटर ऑफ योर आईब्रोज, सभी विजुलाइज करें अपने आप को एक कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट के रूप में, चमकता हुआ सितारा, टिमटिमाती हुई मणि, बिंदु रूप और ज्योति का स्वरूप। सभी विजुलाइज करें अब कि अब हम कनेक्ट हो चुके हैं उस परवरदिगार से, परमात्मा से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से, सुप्रीम सेल्फ से, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से, पवित्रता के सागर से, पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही हैं। विजुलाइज करें सभी लाइक फाउंटेन, एक फवारे की तरह मेरे सर पर छत्रछाया बनी हुई पवित्रता की किरणें। अब विजन बनाएं, हमारे ग्रुप की एक बहन है प्रिया, इनकी सास सुमति अभी हॉस्पिटल में हैं, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए सभी विजन बनाएं कि पवित्रता की किरणें मुझ में समाती हुई मुझसे निकलकर हॉस्पिटल में सुमति माता के भ्रकुटी के मध्य में, और एक किरणें उनके शरीर में चारों तरफ फैल रही हैं और उनके पूरे शरीर को, प्रत्येक सेल को, टिश्यू, ऑर्गन, पूरे बॉडी के सभी प्रणालियों को, सिस्टम्स को नवजीवन दे रही हैं ये किरणें। शी इज फीलिंग एब्सोल्युटली फंटास्टिक,
वाइब्रेंट हेल्दी अब वो बिल्कुल भी ठीक हैं, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। सोनू बहन इसी ग्रुप की भटिंडा पंजाब, उनके पति को डेंगू हुआ है एंड शी हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड, ही हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड। उनके पति का नाम है किशन कुमार, काफी शरीर में इन्फेक्शन है, विजुलाइज करें सभी, पवित्रता के सागर से आप कनेक्टेड हैं, बिलकुटी के मध्य में ये पवित्रता की किरणें आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और किशन कुमार जो इस वक्त डेंगू के बीमारी से, इन्फेक्शन से पीड़ित है, विजुलाइज करें कि पवित्रता की किरणें उनके शरीर में जो भी दवाइयां जा रही हैं, जो दवाइयां वो लेने वाले हैं, वो दवाइयां जो उनके आसपास रखी हैं, जो नर्सेस उनको टाइम टाइम से दे रही हैं, विजुलाइज करें सभी पवित्रता की किरणें मुझसे निकलकर हॉस्पिटल के उस कमरे में, किशन कुमार के ब्रिकुटी के मध्य में, और किरणें उनके शरीर में प्रवाहित होती हुई और शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति इस वक्त काम नहीं कर रही है, ये पवित्रता की किरणें किशन कुमार के शरीर के अंदर, सोनू के हस्बैंड तम बटिंडा पंजाब हॉस्पिटलाइज, डेंगू नॉट इम्प्रूविंग, अभी पवित्रता की किरणों को पाकर सभी विजन बनाएं, ये किरणें अब किशन कुमार के ब्रकुटी के मध्य से निकलकर उनके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और शरीर के जर्रे जर्रे को, प्रत्येक सेल को, पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रही हैं और विजन बनाए कि जो भी दवाइयां उन्हें दी जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल व्हाट एवर ही हैज बीन गिविंग उन सभी के साथ परमात्मा की पवित्रता की किरणें अब उनके हीलिंग प्रोसेस को, उनके रिकवरी को, उनके नॉर्मलिसी को बहुत ही लाभ पहुंचा रही हैं। You're all happy and delight to see for his wonderful improvement, remarkable improvement. Feel करें with a smile to see that both Sumati, Priya Ben's brother-in-law and Sonu's husband, they both are doing well, so beautifully recovering. Be thankful to the universe for giving him and her the powers of recovery, quick recovery. Om Shanti, dheere se aankhein khole. Ye sabse pehle agar hamare saath agar प्रियंका जगेशिया, आई थिंक नहीं है भाई जी, ओम शांति भाई जी, यस सर, गीता जगेशिया बोल रही हैं आप? हाँ, यस गीता जी, आपको देख पा रहा हूँ मैं, यस प्लीज, वेरी गुड इवनिंग। आपने भी बहुत अच्छा अनुभव लिखा है, कल भी आपने शेयर किया है, आज ही मुझे लिखा तो मेरा दिल कहा कि मैं सभी को मोटिवेट करूँ, यहाँ पर जो हमारे भगवान के बच्चे साथ में जुड़े हुए ना, और ये ग्रुप कोई साधारण ग्रुप नहीं है, इस ग्रुप में जो है ना भगवान साथ जुड़ा हुआ है। मैं जब यहाँ बैठता हूँ ना तो भगवान को साथ में लेके बैठता हूँ, मेरे बाजू में ट्रांसलाइट अभी भी जल रहा है, वहाँ पे ऑन है और मैं भगवान को साथ में लेके बैठता हूँ। आप सभी के लिए दुआएं मांग के फ्री में इस ग्रुप में सेशन चालू करता हूँ, राइट? तो दिस इज द ग्रुप वेयर गॉड इज हैंडलिंग दिस ग्रुप। भले सामने हमारे सामने जो है अंकिता बहन है या
वो पूना वाली बहन है या फिर भावना बहन है, लेकिन करवनहार परमात्मा है। यस गीता जयशी, योर 555 वंडरफुल एक्सपीरियंस आपने बताया। आप थोड़ा टैरेट कार्ड के बारे में बताना आपने लिखा है ताकि लोग समझ सकें। यस प्लीज गो अहेड गीता। सर एक्चुअली मैं स्पिरिचुअल टैरो कार्ड रीडर हूँ, पर आई एम हैविंग सम फैमिली थोड़ा डिफिकल्टीज है, तो मेरा एनर्जीज थोड़ा कम हो रहा था, आई कुडंट कॉन्सेंट्रेट दैट मच, तो इसके लिए उतना मेरा रीडिंग एक्यूरेसी नहीं आ रहा था, और मैं उसके लिए अपना इंसाइट बढ़ाना चाह रही थी। Very true. तो उस दिन मुझे सुबह को उठी तो मेरा आंखें बराबर 5.55 पे ही खुल गया, एंड फिर मुझे लगा कि ये शायद यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहा है कि ये 5555 वाला जो आपने कहा वो मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने तुरंत ही उस दिन स्टार्ट किया, और अफर्मेशंस फर्स्ट डे पे ही मैंने करने के बाद में I wanted to actually guide and help people. तो उसके लिए affirmation मैंने तैयार किया, first day पे लिखा, फिर उसके बाद में मुझे invitation आया automatically कि आप है ना हमारा workshop join कर सकते हैं to further you know practice and learn about you know developing the insight. तो इसके लिए आई वॉन्टेड टू डू एस्ट्रल ट्रेवल ताकि हम लोग यूनिवर्स से कनेक्ट हो सके। वेरी ट्रू। तो आई वॉन्टेड टू एक्चुअली, पर अकेले करने को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो दैट लेडी जिसने हमको सिखाया तो शी सेड शी विल डू इट एंड हम लोग कर सकते हैं, शी विल कंट्रोल एवरीथिंग, तो उसने हमको वो सिखाया टेक्निक, एंड मुझे उन्होंने बोला ये 55 वाला टेक्निक बहुत अच्छा है, यू कीप ऑन डूइंग दैट, एंड किस तरह से कनेक्ट करना, किस तरह से एनर्जीज एब्जॉर्ब करना यूनिवर्स से, वो भी सिखाया, एंड आई कुड डू एक्चुअली दैट, और उसके बाद भी आज दोबारा मैंने ट्राई किया एंड आई वॉज सक्सेसफुल, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने हमको गाइडेंस दिया 555 वाला। आपके अनुभव के लिए, आप कहाँ रहते हैं? सिंधी सोसाइटी में। अरे सिंधी सोसाइटी में मेरे साथ रोटरी क्लब में थे आपको मिस्टर? आपको मिस्टर रोटरी क्लब से हैं क्या? नहीं सर। नहीं 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 नहीं। ओके ओके। So I am in Chembur। आप जानते हैं ना मेरे को? I am so close by you। Yes yes। नाका। गुलमोर में रहते हैं। गुलमोर में। अच्छा अच्छा गुलमोर में रहती हैं आप? okay, आप गुलमोर रहते हो? सी नाउ वी शैल स्टार्ट विद टुडेस टेक्निक। सभी अपने आप को अनम्यूट। नहीं अभी कोई सवाल नहीं होगा प्लीज, मुझे टेक्निक रह जाएगी मेरी, जो भी पूछना है ना लेट मी कंप्लीट दिस टेक्निक फॉर व्हिच वी आर गैदर्ड हियर, उसके बाद मैं आपके सवाल पे जाऊंगा। करेक्ट। ये देखिए सबसे पहले पहले आज हम जो सीखने जा रहे हैं ना, अगर आपको जो 369 में लिखना कुछ बोझ लग रहा है, ज्यादा हो रहा है, थोड़ा रिड्यूस करो, रिड्यूस करो। मैंने भी थोड़ा रिड्यूस किया है, और मैं एक को तो 555 में लेकर गया हूँ, राइट। तो सबसे पहले पहले है ना जो मिलते जुलते गोल्स है ना, उसका गोल को दो गोल को एक में मिला दो, ऐसा करके थोड़ा शॉर्ट करो काम 369 का, ताकि आप जब लिखने बैठे तो कोई भी किस्म का आपके ऊपर बोझ महसूस ना हो। सी नाउ वेरी फर्स्ट थिंग टुडे जो हम करने जा रहे हैं, एक ऐसी टेक्निक है ना जो छोटे मोटे गोल्स के लिए गजब का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका कोई मोबाइल गुम गया है, आपको मिल नहीं रहा है, कोई नोटबुक आपकी मिल नहीं रही है, या किसी आपके घर में किसी की कोई चीज खो गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंकरप्सी हुई है या फिर उनके मोबाइल में से पैसा निकाला गया है, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना, पुलिस वाले को तो कंप्लेन करके आते हैं, लेकिन वी बिकम वेरी रेस्टलेस। तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा काम कर सकती है। उसके अलावा कोई भी समझो त्योहार है, जैसे दिवाली है, भाई दूज है, आप भाई के पास जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, बड़ों के पास जा रहे हैं, लेकिन वहाँ इन दोनों में खास करके कन्फ्लिक्ट होता है, तो आप लिख सकते हैं कि माई मीटिंग दिस टाइम, माई दिवाली सेलिब्रेशन इज आउटस्टैंडिंग, मैं भाई दूज के लिए अपने भाई के पास जा रही हूँ, और मेरी उनसे इस बार की मुलाकात हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक होगी, राइट। एक छोटी छोटी बातें जैसे वीज़ा किसको अप्लाई किया है, नहीं मिल रहा है, डाउट्स आ रहे हैं,
ये टेक्निक उसके लिए यूज हो सकती है। आपको हर महीने जो पैसा कमाते हैं बिजनेस क्लास है, पैसे को बढ़ा सकते हैं, एक महीने का गोल उसमें रख सकते हैं, जॉब के लिए, करियर के लिए, सोलमेट के लिए। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, तो कोई भी एक है ना धागा, कोई भी धागा लेना होता है। मैंने आपको YouTube भेजा था ये धागा, इसको नॉट मेथड कहते हैं, नॉट मेथड। ये देखिए धागा है ये, राइट। आपने देखा होगा कि माता के मंदिर में, मस्जिद में या कहीं विदेश में ना लोग ताला लगाते हैं, फॉरेन में, मुझे देश का नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पे ताला लगाते हैं। तो ऐसी कई सारी टेक्निक्स हम करते आए हैं। मैं भी जब मैंने भी किया था, मैं करीबन 12 साल पहले मैं उत्तराखंड में गया था सेवाओं के लिए आर्मी का। तो वहां पे दूनागिरी एक मंदिर है, तो हमारे कर्नल मेरे मित्र हैं कर्नल सती, और वो मुझे दूनागिरी मंदिर में लेकर गए। बोला कि आपके बेटे की शादी नहीं हो रही बलराम, यहाँ पे धागा बांधो। और फिर जल्दी बच्चे की शादी हुई, तो मैंने ये भी बोल के आया था कि शादी हो जाएगी बच्चे को और बहू को, मैं यहाँ लेकर आऊंगा। वो भी पॉसिबल हो सका 2 साल पहले, कोरोना के जस्ट पहले। तो हम लोग सब वहां पर गए थे चारों जन वापस उत्तराखंड में। ये लोग सब घूम फिर रहे थे, मैं सेवाएं कर रहा था उत्तराखंड, मतलब नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, वगैरह जगहों पे। तो ये निश्चित ही पूरी होती है इच्छाएं। देखो इसमें क्या करना है आपको, कोई भी एक धागा लिया ना, तो इसमें 7 नॉट बांधनी है, गठाने, और एट ए टाइम एक ही गोल लेना है, नो टू गोल्स। एट ए टाइम एक ही धागा, 7 नॉट्स और सेम गोल। जब पूरा हो जाता है तो मैं आगे बताऊंगा क्या करना है आपको। देखो सबसे पहले अगर आपने धागा अपने साथ रखा है, लाया है, मैंने कहा था जिनको जो अरेंज कर सके ना, वो धागे का दोनों एंड छोर पकड़ो, एंड छोर पकड़ो धागे का, राइट। अभी कोई भी एक गोल लो, एनी गोल यू टेक इन फ्रंट ऑफ यू, कोई भी गोल, राइट, कि मैं अगले एक सप्ताह में अपने तबीयत में ड्रामेटिकली चेंज देखना चाहती हूँ। इन द नेक्स्ट 7 डेज आई वॉन्ट टू सी द ड्रामेटिक चेंज इन माई हेल्थ। जैसे हमारी प्रिया बहन है, उनकी सास बहुत बीमार हैं, काफी तकलीफ, काफी दिक्कतों से गुजर रही हैं, वो लिख सकती है, वो इस गठान को लेकर बांध सकती हैं कि मैं जो हूँ, मतलब अपनी सास को ड्रामेटिकली चेंज देखना चाहती हूँ। अभी जैसे सोनू भटिंडा हैं अपने साथ, इधर सोनू भटिंडा जी सर, जी 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 है ना, आप सोनू, आपके लिए बता रहा हूँ मैं, आपने पति के लिए है ना ये नॉट, कभी कभी आपके हाथ में नॉट है, जी जी, सॉरी ये कटा, ये है धागा है ना आपके हाथ में, नहीं सर मैं ना अभी हॉस्पिटल से घर आई हूँ, जस्ट एक अच्छा 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 नो प्रॉब्लम। तो आप इन्हें क्या ले सकते हैं, एफर्मेशन आपको एग्जांपल देता हूँ जी, के माय हस्बैंड इज ड्रामेटिकली, आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट माय हस्बैंड हैज ड्रामेटिकली इंप्रूव्ड हिज हेल्थ जी, नाउ हिज इम्यून सिस्टम इज फैंटास्टिकली वर्किंग। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरा पति अब जादुई तरीके से ठीक हुआ है जी, राइट, शुक्रिया, शुक्रिया करना बहुत जरूरी है, थैंक्स यूनिवर्स। और दूसरा जो है, तो आपको क्या करना है, ये नॉट आपने लिया, आपने कोई भी गोल ले लो, एनी डैम आपका गोल, उसका एफर्मेशन बनाओ। उसमें 2 बातें लिखनी होती है, आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म मेरी जिंदगी के लिए एक चमत्कार बन जाए। आप सभी यहाँ पर आते हैं वक्त निकाल कर, मैं जानता हूँ गृहणियों को टाइम निकालना इस समय पर बहुत ही मुश्किल होता है, फिर भी आप इतने सारे लोग आ जाते हैं जी जी, राइट। और मैं यही चाहता हूँ कि जब टाइम मैं भी दे रहा हूँ, मेरी फैमिली से भी मुझे अलग रहना पड़ता है, मुझे इसकी काफी स्टडी भी करनी पड़ती है, मैं फैक्ट्री भी कल से जाना चालू किया है, तो आप इन्हें ये भी लिख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म मिरेकल्स लाइव मेरे लिए, ये सिर्फ ग्रुप का नाम न रखकर मेरी जिंदगी बन जाए, ये भी गोल बना सकते हैं आप, राइट। तो क्या करना है, पहले गोल उसका एफर्मेशन बनाओ, और है ना वो पहले एक जो एक शोर है ना, वहां पे एक शोर पे आपको पहले गोल बना लिया सभी ने, एफर्मेशन लेना है, और फिर है ना आपने आंखें बंद करनी है और विजुलाइज करना है कि अब ये ग्रुप मेरे लिए एक वरदान बन चुका है, मेरे पति की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, आई एम सो हैप्पी एंड जॉयस टू फाइंड हिम इन द एब्सोल्यूट फिटनेस, बराबर। उस गोल को विजुलाइज करो, एफर्मेशन कहो, फील करो, और पहली गठन बांधो, राइट। राइट, अभी दूसरी तरफ इस धागे को पकड़ो, 7 गठाने बांधनी है हमको, 7 नॉट्स वी हैव टू टाई अप,
राइट। अभी फिर से है ना, आंखें बंद करो, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को एक गठन बांधने के बाद। फिर से आंखें बंद करो, विजुलाइज करो उसी गोल को, फाइनल रिजल्ट को, ये सो चीज आपके साथ हो चुकी है, यू आर फीलिंग ग्रेट एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर दिस गोल बीइंग मैनिफेस्टेड या मैनिफेस्टेड। ओके, अब है ना विजुलाइज करते हुए, पहले विजुलाइज करो पूरा गोल को, सेकेंड टाइम फील हैप्पी, फील ग्रेट, विजुलाइज करें कि अब मेरा वो गोल पूरा हो गया है। ये जो आपने गोल रखा है उसको देखो, उसके एंड रिजल्ट को देखो, और अब फिर से सेकंड गांठ बांधो, सेकंड नॉट, राइट। अभी दोनों जो जगह गांठें बंधी है ना आपने, दोनों को एक साथ रख के इसका सेंटर निकालो, टेक द सेंटर ऑफ दिस नॉट, राइट। उसका सेंटर निकाल के अब यहाँ पर है ना सेंटर में पकड़ो आप इसको, और फिर से आंखें बंद करो और विजुलाइज करो अपने गोल को जो इस वक्त पूरा हो चुका है। यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी डिलाइटेड, आप बहुत बहुत जॉयफुल हैं, खुश हैं कि आपका गोल पूरा हो गया है। उस गोल के एंड रिजल्ट को, पांचवें सेंसेस को यूज करके देखो, फील करो, और फिर अब ये गठान बांधो इसके बीच में, टाई अप दिस थर्ड नॉट। यस, थैंक यू यूनिवर्स कहते हुए गठान को टाइट कर दो, राइट। अभी ये जो धागा हमने लिया, यहाँ पे तीन नॉट्स आ गई, बराबर। अभी क्या करो, जो राइट एंड तरफ की नॉट है और सेंटर की जो नॉट है, इन दोनों का ना सेंटर में सेंटर निकालो, इन दोनों का सेंटर निकालो, और वहां पर आप उस सेंटर को पकड़ो और फिर से आंखें बंद करो। ये चौथी नॉट है हमारी, विजुलाइज करो, मेरा गोल पूरा हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम थैंकिंग यूनिवर्स, I'm really truly delighted to see my husband in a very good shape. मेरी सास सास में बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है। ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक वरदान बनकर आया है। Feel it, visualize it using all the five senses. चलो अब चौथी गठन बांधो यहाँ पर, make the fourth knot. Yes, thank you universe. Right? अब दूसरी साइड पकड़ो, दूसरी साइड का एंड और सेंटर, दोनों का सेंटर निकालो बीच में। ये पांचवी नॉट हम लगा रहे हैं, राइट। पांचवी नॉट लगाने के पहले इसको पकड़ो सेंटर को, और फिर से आंखें बंद करो, विजन बनाओ। जो भी गोल आपने लिया है, जो भी एफर्मेशन आपने लिए हैं, वो गोल आपका पूरा हो चुका है, आप बहुत बहुत खुश हैं, धन्यवाद दे रहे हैं यूनिवर्स को, यू आर फीलिंग ट्रूली डिलाइटेड, I'm so blessed that universe has helped me for the manifestation of this goal. Thank you, universe. Chalo, gathan bandho ab. Right? Abhi jo hain, paanch gathan ho gayi. Barabar, paanch gathan ho gayi hai. Correct. Yes. Right? Abhi aapko kya karna hai? Jo yahan par जो राइट हैंड से पकड़ो पहली पहली गठान को, और उसका सेंटर निकालो, राइट, उसका सेंटर निकालो, और इसको पकड़ो यहां पर, आंखें बंद करो, फील एज इफ द गोल हैज बीन कंप्लीटेड। वो आनंद, वो जो है, वो खुशी, दैट डिलाइटेडनेस, यू टू फील इट, उस सीन को आगे ले आए, बहुत ही आनंद का अनुभव करें। The goal has been manifested. Yes, now say thank you to universe. और यहाँ पर आपकी छठी गठान बांधो, tie up the sixth knot. Knot अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, nothing wrong in that. Yes. Now आप क्या करोगे? Last जो knot है, उसके बीच में, फिर ये आप इसको पहले सेंटर निकालो उसका, आईज क्लोज्ड, सातवीं और आखिरी नॉट है ये, विजुलाइज कर अपने फाइनल गोल को, एज इफ इट इज अचीव्ड, एज इफ इट इज मैनिफेस्टेड, उसका प्रकटीकरण हुआ है, आप बहुत 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 खुश हैं, टू सी दैट योर गोल इज अचीव्ड, आपने जो मांगा था आपको मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स। अब चलो अभी सभी एक गठन बांधो, टाई दिस
रिलैक्स राइट। अभी ये आपके सामने आपकी पूरी ये जो है धागा लिया है आपने, वो पूरे 7 नॉट्स आ गई हैं राइट। गोल आपने 7 बार बोला क्योंकि 7 अगेन एक मैजिकल फिगर है, मैंने पहले ही बताया कि 7 समुंदर 7 सुहागिने लगती हैं, 7 रेनबोज का कलर है, 7 चक्रास होते हैं, 7 संगीत के सुर होते हैं, 7 फेरे शादी में लगाए जाते हैं, और कोई फंक्शन शादी में ऐसा होता है जहाँ 7 सुहागिने एक साथ मिलकर उसको, कुछ फंक्शन होता है जहाँ 7 सुहागिने बुलाई जाती हैं राइट। इट्स अ वेरी मैजिकल फिगर राइट। अब इसको क्या करना है आपको, आप चाहें तो इसको ना हथेली पर बांध सकते हैं, यू कैन टाई इट अप हियर, ऐसे करके इसको आप बांध सकते हैं राइट, बांध सकते हैं, या फिर आप इसको है ना ऐसे फोल्ड करके अपने पूजा के मंदिर में रख सकते हैं, या ऐसी जगह टांग सकते हैं जहां पर इसको आप देख सकें। जब इसको देखोगे तो अपन इसको इसे कलाई में बांधा है तो आप इसको ये जो बंधी हुई जो नॉट है आप इसको ऐसे है ना हाथ लगा के कहें थैंक यू यूनिवर्स माय गोल इज मैनिफेस्टेड, विजुलाइज करें आपके गोल के अंतिम स्वरूप को, फील हैप्पी, फील ग्रेटफुल, फील जॉयस, फील डिलाइटेड। यस, जितने बार आपकी नजर जाती है उतने बार आपको इसको वापस हाथ लगाते हुए या देखते हुए, जरूरी नहीं कि हाथ लगाएं, आपके सामने पड़ा है मंदिर में, जैसे वो देखते हैं तो आपको फिर से थैंक यू कहना है उस गोल के लिए, यूनिवर्स को राइट। उसके अलावा जो है, यस नाउ आई हैव फिनिश्ड विद माय टेक्निक। अब आपको जो सवाल है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, प्लीज एक एक करके पूछें सवाल को। भाई जी हाँ बोल, एक एक करके हाँ प्लीज। यस हाँ, ये बड़े गोल के लिए भी कर सकते हैं या सिर्फ छोटे गोल के लिए? हाँ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बड़े गोल के लिए हो सकता है आपका गोल 5 साल में पूरा हो, 4 साल में पूरा हो राइट, इतने तक धागा रखोगे आपको डाउट आने लगेगा। छोटे गोल के लिए करो, एक हफ्ते में मैं जो भी छोटा सा गोल हो ना, एक हफ्ते के अंदर मैं अपने इस संबंध में हार्मनी रिलेशन में देखना चाहती हूँ। Okay. आया, छोटे गोल के लिए करोगे तो क्या होगा, जल्दी पूरा को तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप ऐसे जो हैं और आगे भी जा सकते हैं विद अदर गोल्स। क्लियर हुआ आपको? यस भाई जी, ओके थैंक यू। यस भाई जी, बस नॉट्स का दोबारा बता दो कि नॉट्स कैसे कैसे कर रहे हैं एक बार दोबारा से। सर देखो, धागा आपने लिया, धागे की जो लंबाई है उसको 2 फोल्ड किया, उसका सेंटर निकाला राइट, नहीं पहले दोनों साइड में नॉट बांधा, अपने गोल को विजुलाइज किया, थैंक यू बोला यूनिवर्स को, एक ही गोल होना चाहिए, गोल चेंज नहीं होगा, एफर्मेशंस वाइब्रेशन आपके अंदर लाने वाली हूँ, एक गठन बांधा, फिर दूसरी तरफ से आपने गोल को विजुलाइज किया, थैंक यू का यूनिवर्स को, और दूसरा जो है आपने फिर से नॉट बांधा, फिर उसको सेंटर में आप गए, सेंटर में नॉट बांधा, विजुलाइज करते हुए थैंक यू करते हुए यूनिवर्स को, ऐसे करके है ना उसका फिर सेंटर जो आधे का भी आधा सेंटर निकाल के टोटल 7 गठाने आपको बांधनी है, आंखें बंद करनी है, गोल को विजुलाइज करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, उसके बाद नॉट बांधनी है आपको, ऐसे करके 7 नॉट सबको बांधनी है, फिर वो धागा जो आप चाहें तो कलाई भी बांध सकते हैं, चाहे तो अपने गले में रख सकते हैं, बड़ा धागा है तो आप एंकल में रख सकते हैं, भगवान के मंदिर में रख सकते हैं, अपनी किताब में रख सकते हैं, या जहां भी जो चीज आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ना, जहां आपका ध्यान जाए उसके लिए आप इसका धागा जो है 2 धागे बना सकते हैं। बच्चे को तबीयत ठीक नहीं है, आप उसको ठीक देखना चाहते हैं, उस धागे को ना एक बच्चे का भी इसमें लगा दो, तो बच्चे को जब देखोगे ना तो आपको गोल याद आएगा कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। हम क्या करते हैं, बच्चे को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो दैट यू कैन डू। यस ओवर, क्लियर? और कोई पूछो, कलर कोई भी हो सकता है, सीमा जी लिखती है कलर इज नॉट ए प्रॉब्लम, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, काला हो, ब्लैक हो, येलो हो, मल्टी कलर को, एनीथिंग यू कैन टेक। ये दूसरा धागा मैंने जो भेजा था, ये हम लोगों जो हमारे इधर फंक्शन होता है सगड़ो बोलते हैं सिंधी में, तो ये बांधते हैं यहाँ पे कलाई पैसे, तो कोई भी ले सकते हैं आप, एनीथिंग इट कैन बी ऑफ एनी कलर। इम्पोर्टेंट क्या है, उसको नाड़ा छड़ी बोलते हैं सर। हाँ यस यस करेक्ट। क्या एम है, एक मिनट, क्या एम है कि हम इस टेक्निक के द्वारा अपने सबकॉन्शियस में को अपना गोल भेज रहे हैं और उसके पास अनंत शक्ति है
आपके गोल को मैनिफेस्ट करने की, दैट द मेन पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग और गोल टू द सबकॉन्शियस माइंड। यस अभी पूछो सर। भाई जी जो आप शायद के लिए इसमें तारीख भी मेंशन करनी है क्या? कुछ भी नहीं है, नथिंग। भाई जी ये गोल पूरा होने के बाद धागे का क्या करेंगे? हाँ यस वेरी गुड, मैं बताना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट सर। एक सेकंड, मैंने थायराइड के लिए लिया है। एक मिनट प्लीज, एक सवाल पूछा गया है, लेट मी आंसर दैट राइट। अब धागे का क्या करें, आपका गोल पूरा हो गया, आप फिर धागो को क्या करना है? अब नाउ दिस हैज बिकम द मैजिकल बैंड राइट, इट हैज बिकम अ मैजिकल बैंड। तो आपको आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक धागे की गठान को फिर से खोल सकते हैं राइट। खोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बांधना आसान है, उसको खोल सकते हैं। अगर सातों ही गठान है, हमने खोल ली पूरी, तो उसको फिर आप दूसरे गोल के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं वो, तो आप इस मैजिकल बैंड को आप क्या कर सकते हैं, आप पानी में बहा दें इसको, या फिर पूजा के स्थान में रखें, या फिर रिकॉर्ड के लिए कि आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है इस थ्रेड से, उसके आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं राइट। एक बात सिर्फ ध्यान रखना कि दो गोल एक ही धागे में आप नहीं ले सकते, और एट ए टाइम दो गोल भी नहीं ले सकते कि दो धागा बनाया और दो गोल लिया, नो। आप उसको देख के कभी जो है ना आपको कन्फ्यूजन होगा, इसके बारे में मैंने क्या बोला है, उस बारे में क्या बोल रहा है। एक अगर आपको लगता है थोड़ा लेट हो रहा है, तो आपके बारे में दूसरे को देखोगे ना तो डाउट होगा। एट ए टाइम ओनली वन गोल, गोल शुड बी ऐसा कि वो जल्दी पूरा हो। यस अभी पूछिए, गो अहेड नाउ सर। मैंने थायराइड के लिए लिया है, थायराइड मेरे को आया बॉर्डर लाइन में। हां हां, थायराइड मतलब बॉडी वेट बढ़ रहा है। तो आई एम हैप्पी एंड डिलाइटेड, आई एम हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट माय हार्मोनल सिस्टम इज वर्किंग सो ब्यूटीफुली। बस खत्म। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली हेल्दी, फिट एंड फाइन, वाइब्रेंट। बीमारी का नाम नहीं लेना है, द एंड रिजल्ट। समझ आया? समझ आपको? एक मिनट समझ आया आपको? एक मिनट सुनिए, एक मिनट। मैंने तो लिख लिया, मैंने तो बना लिया, मैंने तो बना लिया कि माय थायराइड इज नॉर्मल एंड नहीं, आप उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करो उसको, और फिर धागा दूसरा लेके फिर बनाओ। टाइम तो लगता नहीं ना बनाने को, क्योंकि जब जब आप उस धागे को खोल के उसी को खोल के उसमें बना ले, उसको खोल के कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बार आप उसको देखोगे ना थायराइड याद आएगा, यू फोकस भी टू थायराइड, उनको नेगेटिव देखो। थायराइड तो बीमारी नहीं है ना सर, थायराइड तो ग्लैंड का नाम है। एक मिनट मेरी बात सुनो, यूनिवर्स नो नॉट डू नॉट एनी वर्ड ऑफ नेगेशन नेवर एक्सेप्ट, समझ गए? यूनिवर्स कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं थायराइड से मुक्त हो चुकी हूँ, अब मुझे थायराइड नहीं है, लेकिन बार बार थायराइड वर्ड आने से उसकी लो फ्रिक्वेंसी है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी लो है। आई एम फीलिंग वाइब्रेंट, आई एम फीलिंग सो हेल्दी। समझ आया आपको? क्या बोलूं मैं सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या बोलूं? आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम सो डिलाइटेड टू सी माइसेल्फ एब्सोल्युटली हेल्दी। थैंक यू यूनुस, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आप, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। शुक्रिया यूनुस। अच्छा बॉडी वेट कम करने के लिए उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोलना पड़ेगा ना? नहीं, I'm thankful, I'm so happy and delighted for an ideal weight. Thank you, Yunus. मेरे आदर्श वजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Yunus. Okay. Yes, sir. ये किसी और के लिए सीमा भसन लिखा, हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं। As you can see, आप उसको क्या बोल सकते हैं, I'm so happy and delighted. अब मेरा ये बच्चा, मेरा grandson इस बीमारी से बिल्कुल मुक्त है। OCD का जिसको बीमारी है, वैसे अब she is absolutely free and enjoying her life. बीमारी का नाम नहीं लेना है, she is enjoying her life, yeah, he is enjoying it. बोलो सुरजीत भाई। अच्छा, how many days we should do it normally? हाँ, till the time your goal is completed. Okay, thank you. जो दो दिन में पूरा हो सकता है, एक हफ्ते में पूरा हो सकता है, उसको निकाल दो वहां से, यहाँ मैंने बोला है वहां रख दो, उसके पास उसके बाद है ना आपको फिर दूसरा उसी में चाहे तो गठान खोल के दूसरा गोल बना सकते हैं, या तो फिर आप दूसरा धागा ले सकते हैं। गो कैन गो फॉर अनदर गोल। थैंक यू। अभी किसी ने लिखा है, ओम शांति, ओम शांति साईं। एक मिनट, किसी ने लिखा है कि कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं, तो आपको क्या लिखना है, आई एम सो हैप्पी
and delighted that I am financially free. Right? आपको क्या लिखना है कि मैं बहुत बहुत खुश हूं कि अब मैं अपने जो है क्या सकते हैं, I am free of my all the liabilities, या फिर I am feeling absolutely great. I have got the sufficient money for every expenses. Don't write the कर्ज हो रहा. I am absolutely ये लिख सकते हैं कि देखो ये जो गोल है ना, कितना कर्जा है, कितना टाइम लगेगा, राइट? क्योंकि एक्शन भी लेना पड़ेगा ना आपको. सिर्फ गोल लिख दिया धागे में या पानी में डाल दिया तो आपको पूरा उसके पीछे एक्शन भी लेनी पड़ती है. और फिजिबली मेरा भी वही गोल है, लेकिन मैंने उसको टाइम में बांधा है, उसको टाइम दिया है मैनिफेस्टेशन के लिए. मुझे पता है कि जितना टाइम है मैं चाह रहा हूँ, टाइम पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे मेरा विश्वास कम होगा कि काम नहीं करता है. तो बेटर यू राइट डाउन द गोल विच आर फीजिबल, जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्सेप्ट कर सके, उतना गोल लिखो. आई एम एंजॉइंग माई फाइनेंशियल फ्रीडम. समझा? इज दैट क्लियर? यस सर. बोलो अभी भाई जी. हाँ हाँ, नाम बोलो आपका, कहाँ से बोल रही हूँ बोलो. सोनम सर, आगरा से. हाँ सर, सोनम आगरा से. हाँ बोलिए बोलिए सर. वो मैंने लम्स के लिए पूछा था ना, तो मुझे क्या अफर्मेशन बनानी है लम्स के लिए? बस देखो, कोई भी बीमारी हो ना, आपको क्या चाहिए? बीमारी से मुक्ति. जब बीमारी से मुक्त होगा तो आप क्या कहोगे? यू फील, यू फील एब्सोल्युटली हेल्दी, फिट एंड फाइन. बस गुड द एंड रिजल्ट. सी, विजन बनाओ कि मैं लंप से बिल्कुल ही मुक्त हूँ. मतलब आपको लंप नहीं देखना है. योर बॉडी इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ ऑल द मार्क्स इन दैट प्लेस एंड एब्सोल्युटली हेल्दी. आई हैव रिकवर्ड, आई एम सो डिलाइटेड, so feeling so blessed to see that I'm absolutely normal, healthy, vibrant, yeah, feeling great, grateful. ऐसे बोल सकते हैं. ओम शांति सर. ओम शांति सर. मैं अभिषेक दिल्ली से बोल रहा हूँ. हाँ हाँ सर. मुझे अपनी टाइमिंग 400 मीटर 49 सेकंड करनी है. तो क्या? यस प्लीज बोलो. ओम शांति भाई जी. ओ भाई साहब कहाँ गए? म्यूट हो गए लगता. ओम शांति भाई जी. हाँ बोलो. मैं उषा बोल रही हूँ. हाँ जी. ये धागा जैसे हम सगड़े में तो तारे ले लेके मोटा करते हैं, वैसे कर सकते हैं या कि वैसे एक ही तार मोटा होना चाहिए धागा? नहीं नहीं, क्या है एक्चुअली, धागा मोटा या पतला, हाँ, कलर कोई भी हो, जैसे हम कठान बांधते हैं ना, कठान बांधने से हमारा गोल डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है. ओके. या कि नहीं, जब हम उस गोल को विजुलाइज करते हैं, उस गोल को फील करते हैं ना, और हम कठान बांधते हैं, तो जैसे है ना, कठान बांधते थे पहले भी, बहुत जगह होता ही, आज भी होता है, माता के कठान बांध जाते हैं, झाड़ को बांधते हैं धागा, सगड़े में भी तो कठाने लगाते हैं. एग्जैक्टली करेक्ट. ठीक है, अभी ना भावना मैडम का रिक्वेस्ट है कि सेशन 8:15 बजे बंद कर दो, ठंड का टाइम है और डिफिकल्ट होता है, तो अभी हम सेशन यहाँ पूरा करते हैं. लास्ट क्वेश्चन एक मेरा क्वेश्चन हो रहा है मेरे को. अगर मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए जॉब के लिए करने का है सगड़े में, तो मैं क्या लिखूंगी इन्फॉर्मेशन? उनका नाम लेके मैं बहुत खुश हूँ कि उनको अब मन चाह जॉब मिला है. Okay. शुक्रिया. यू नो दो अक्षर बोलना है. यू हैव टू शो योर फीलिंग. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो डिलाइटेड, मैं बहुत बहुत खुश हूँ. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड विद अ जॉब फॉर माय ग्रैंडडॉटर. थैंक यू भाई जी. मेरा जॉब मेरे घर के पास ट्रांसफर के लिए, मैं कैसे बोलूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ मेरा घर के पास जॉब हो गया. आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड that my job has become very much convenient for me. मेरे लिए मेरा जॉब बहुत सुविधा के साथ मेरे साथ है. I'm finding all the comforts with my job. समझे? तो that's very positive words. ओम शांति सर. अभी ये मेरे को बंद, मेरे को भावना ने मना किया कि 8:15 के बाद मत चलाओ, उनको घर का काम रहता है. बंद करते हैं. इस क्या है जो इतना बिचारी करती है ना भावना, फिर भी वो करती है. हम लोग कल फिर मिलेंगे ना. देखो मैंने ना रोज इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पे आता हूँ ताकि हम ज्यादा जुड़े
ज्यादा आपके सवाल के जवाब मैं दे सकूं, और मैं आपको और भी टेक्निक आगे सिखाने वाला हूं आगे आगे जाके। सब टेक्निक करना जरूरी नहीं है। लास्ट में मैं बोलता हूँ 369 ने अपने गोल्स को जो बने थोड़ा सिमिलर है ना उसको, जैसे मैंने लिखा है ना कि आई एम प्रोग्रेसिंग इन ज्ञान योग धारणा सेवा, राइट। तो मैंने जो भी धारणा कहते हैं ना कि आई एम स्पीक वेरी स्वीटली, मैं बहुत मीठा बोलता हूँ, या मैं प्रचिन्न से मुक्त, मैंने निकाल दिया है क्यों, उसमें आ गया ना बड़े गोल में आई एम प्रोग्रेसिंग इन योग ज्ञान धारणा सेवा। तो ऐसे करके आप भी है ना 369 के गोल्स को रिमूव करो, और अगर आपको लाइफ में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज कोई है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज, ओनली वन गोल, इफ यू राइट फॉर 369 ना, तो यूनिवर्स का सीक्रेट कोड है ये। लंबा लिखना पड़ता है, कंटाड़ आ रहा है, उस गोल को थोड़ा शॉर्ट करके लिखो, ठीक है? ओके ओके सर। लीना कौन से ख्यालों में गायब हो गई आप? लीना खो गई है। अच्छा अभी लास्ट बात, मेरी बात सुनो सभी। मैंने ये प्लेटफॉर्म भगवान ने दिया है मुझे अपने जैसे बलराम को तैयार करने का, मेरे जैसी बहनों को तैयार करने का, माताओं को तैयार करने का। तो प्लीज आगे समय बहुत ही विकराल है, चैलेंज से भरा हुआ है। 2023 में न्यूक्लियर वार शुरू होगा, खूनी नहा खेल होगा इंडिया में, यहाँ वॉर नहीं होगा, न्यूक्लियर वार। 1 करोड़ आत्माएं जब मरेगी तो चारों तरफ हाहाकार मचेगी। ऐसे समय पर हम अगर खुद संभली होंगे तो औरों को संभाल सकते हैं। उसमें ये मैजिकल थिंग्स जो है ना, और दूसरों को भी करा के आप भी उनका फायदा उनको भी दिला सकते हैं, क्योंकि दुआएं कमाना ही इस वक्त की सबसे अहम जरूरत है। जो दुआओं से जीवन जीता है ना, उसको पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको पुरुषार्थ हुआ पड़ा है, कम समय ज्यादा प्राप्ति होती है। ये सोम शांति, कल फिर शाम को मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।